नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मिनिस्ट्रीज लाइव, मैं हूं आपके साथ खुश। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। आरटीआई के दुरुपयोग पर अंकुश लगे, पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आरटीआई अर्थात सूचना के आधार से कानून से आम आदमी को अधिकार मिला है, लेकिन इस कानून का दुरुपयोग करने वाले कई और भी लोग हैं जो फिरौती मांगने, ब्लैकमेल करने या इससे अधिकार का दुरुपयोग होता है, इस पर अंकुश लगाना चाहिए। शनिवार को विदर्भ गौरव प्रतिष्ठान का व नागपुर श्रमिक पत्रकार संघ की ओर से वरिष्ठ पत्रकार व राज्य के सूचना आयुक्त राहुल पांडे व वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सुखे को अनिल कुमार स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रेस क्लब में सभागृह में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। समारोह की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विकास शिरपुरस्कार ने की। प्रमुख अतिथि कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कराड की कुलपति डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, विदर्भ गौरव प्रतिष्ठान के कार्याध्यक्ष गिरीश गांधी, तिलक पत्रकार भवन के अध्यक्ष प्रदीप मैत्र व वरिष्ठ पत्रकार जोसेफ राव थे। पार्ट्स नहीं मिलने से शिवशाही समेत दर्जनों बस खा रही है धूल। महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल एसटी के नागपुर विभाग के एक दर्जन से ज़्यादा बस खड़ी खड़ी धूल खा रही है। महामंडल की बसों की मरम्मत कराने के लिए पार्ट्स तक नहीं है। छोटे मोटे पार्ट्स बाहर से खरीदे जा रहे हैं, जबकि बड़े और महंगे पार्ट्स के लिए केंद्रीय कार्यशाला का मुँह उतारना पड़ रहा है। यही कारण है कि खराब हुई दर्जनों बस का वर्कशॉप में मरम्मत के लिए कई दिनों से खड़ी है। महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल एसटी के नागपुर विभाग के एक दर्जन से ज़्यादा बस खड़ी खड़ी धूल खा रही है। महामंडल की बसों की मरम्मत करने के लिए पार्ट्स तक नहीं मिल रहे। छोटे मोटे पार्ट्स बाहर से खरीदे जा रहे हैं, जबकि बड़े और महंगे पार्ट्स के लिए केंद्रीय कार्यशाला का मुँह ताकना पड़ रहा है। यही कारण है कि खराब हुई बसें दर्जनों बसें वर्कशॉप में मरम्मत के लिए कई दिनों से खड़ी है। नागपुर विभाग के महामंडल की करीब 350 से ज़्यादा बसों की संचालन होता है, जिसमें रोज़ कोई ना कोई बस खराब हो रही है। सूत्रों के कहना है कि इस समय अलग अलग वर्कशॉप में 10 से ज़्यादा शिवशाही बस है। वहीं लाल परी बसों की संख्या भी 10 से 12 है, जो रोज़ाना पार्ट्स की वजह से सड़कों पर दौड़ नहीं पा रही। इस बारे में महामंडल की जिम्मेदारी अधिकारी भी कुछ बताने से लगातार कतरा रहे हैं। छाए रहे बादल, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश। नागपुर में शनिवार को दिन भर आसमान में बादलों का डेरा रहा। दोपहर में शहर के कई इलाकों में बारिश भी हुई। बाकी लोग बावजूद अधिकतम तापमान 0.4 डिग्री से चढ़कर 31.1 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों तक आसमानी में बादल के छाए रहने का सारा बताया है। बताया जा रहा है कि 26 सितंबर से नागपुर में फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी से होते हुए आंध्र प्रदेश के साइक्लोनिक सर्कुलेशन की तैयारी हुई है। वहीं राजस्थान में भी एक साइक्लोन सर्कुलेशन बढ़ा है। इस पर मध्य भारत पर ज़्यादा असर पड़ने का असर नज़र नहीं आ रहा। छाए रहे बादल, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश। नागपुर में शनिवार को दिन भर आसमान में बादलों का डेरा रहा। दोपहर में कई शहर में इलाकों की बारिश भी हुई। बादलों के बावजूद अधिकतम तापमान 0.4 डिग्री से चढ़कर 31.1 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने का असर जताया है। 26 सितंबर से नागपुर में फिर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी से होते हुए आंध्र प्रदेश तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन तैयार हुआ है। वहीं राजस्थान में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। इस पर मध्य भारत पर ज़्यादा असर पड़ने का असर नज़र नहीं आ रहा। अब आप हमारा चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ की ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewsfeed.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही है एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार।